के सहनी जी को पता है कि बिहार में अधिकांश सीटों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। असम की सरकार है और यहाँ किसी को गुंडागर्दी करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और हम लोगों को भाजपा को तो जनमत पर विश्वास है। ममता बनर्जी का आतंक है, वहाँ भी हम लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, जहाँ वोटरों को रोका जाता है। अशोक महतो को भी बाहुबली कहा जाता है। अब किसको कहा जाता है, नहीं कहा जाता, ये बाहुबली का सर्टिफिकेट हमको बांटना नहीं है कि हम बांट देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कल मुंगेर लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा था। इसी बीच एक खबर सामने निकल के आई, जहां यह देखा गया कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ कुछ लोग झड़प करते हुए दिखे। अब जाकर जो विपक्ष के नेता हैं वो कई सारे सवाल उठाने लगे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने यह साफ कहा है कि लोकतंत्र अब नहीं बच गया है बिहार और देश में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाहुबलियों के द्वारा लोगों को प्रेशर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वोट इनको नहीं दीजिए, अगर दीजिएगा तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं मुकेश सहनी ने आरोप लगाया है और मोकाला लोकसभा सीट को लेकर यह आरोप लगाया है कि बाहुबलियों का उपयोग किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा और कहीं ना कहीं लोगों को धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वोट उनको मत दीजिए विपक्ष वालों को, अगर देते हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, हारल बिलाई खम्मा नोचे वाली बात है। मुकेश सहनी जी को पता है कि बिहार में अधिकांश सीटों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो रही है, तो ये आरोप लगा के अपने खोते हुए जनाधार को ये लोग बचाना चाहते हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं बोली के माध्यम से, बाकी कुछ नहीं है। अरे भाई, गुंडागर्दी तो पहले हुआ करता था ना, कि एक साथ 200 बूथ छपाता था। सारण में टीएन सेशन के समय में कैसे कैंसिल हुआ चुनाव, 200 बूथ पर कैंसिल हुआ, पूरा विधानसभा ही सुनते कैंसिल हो गया। तो ये सब चीज़ आप समझ सकते हैं ना कि पहले के समय में क्या था। आज अगर इक्की दुखी घटना घट रही है तो प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। आप ही कह रहे हैं कि पुलिस से नोकझोंक हुआ, तो पुलिस तत्पर है तब ना नोकझोंक हुआ, पुलिस फ्री छोड़ देता तो नोकझोंक कैसे होता। तो ये सुशासन की सरकार है और यहाँ किसी को गुंडागर्दी करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और हम लोगों को भाजपा को तो जनमत पर विश्वास है। जहाँ ममता बनर्जी का आतंक है, वहाँ भी हम लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, जहाँ वोटरों को रोका जाता है, नॉमिनेशन से वंचित कर दिया जाता है, ऐसे जगहों पर भी हम चुनाव लड़ते हैं। और केवल आरोप लगाने पर नहीं ना होगा, धीरे धीरे बंगाल भी हम जीतने के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने इशारा आनंद सिंह पर किया है, कहा है उन्होंने कि अगर बीच चुनाव में देखा जाए तो बाहुबलियों को बाहर निकाला जाएगा तो इसी तरीके की घटना होगी। लगता है कि अन्ना हजारे जी को टिकट दिए हैं अपने दल से, महागठबंधन ने अन्ना हजारे जी को टिकट दिया है क्या वहां से? वो दिए किस बीच, किस चीज का बोल रहे हैं आप? किन चीजों को बढ़ावा दिए हैं? जिसको आप बढ़ावा दिए हैं वही समस्या का कारण आपका बनेगा। ये बिल्कुल कहीं नहीं है, राजनीति में कहीं भी उचित नहीं है कि एकदम गुंडागर्दी को छूट दे दिया जाएगा जी। ये लोग टिकट जो वितरण किए, कैसे वितरण किए? ललन सिंह का तो वैसा इतिहास भूगोल नहीं है जी। इसलिए वो हार रहे हैं चुनाव, बिहार के अधिकांश सीटों पर चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो इस बात को कहते हैं, बाकी कहीं कोई बात नहीं। देखा जाए तो अशोक महतो को भी बाहुबली कहा जाता है। अब किसको कहा जाता है, नहीं कहा जाता, ये बाहुबली का सर्टिफिकेट हमको बांटना नहीं है कि हम बांट देंगे किसी को। क्या ललन सिंह के सामने आनी सीधी बात जानते हैं कि ललन सिंह जनाधार वाले नेता हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं और टोटल चुनाव मोदी और नीतीश जी के नाम पर हो रहा है। क्या माना जाए अनीता देवी नहीं जीत रही है? बिहार के लोग सीधा केंद्र के चुनाव मानते हुए मोदी जी को अपना वोट दे रहे हैं। बिहार में नीतीश जी के जनाधार काफी महत्व है और एनडीए के प्रत्याशी सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। इसलिए विषय समाप्त हो गया। देखिए, विषय समाप्त हो गया है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पे जो लोग हैं और नीतीश कुमार पे जो लोग हैं, बिहार के जो वासी हैं वो भरोसा करते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है और कहीं ना कहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे पवन जायसवाल के, जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, ये लोग अन्ना हजारे को थोड़ी टिकट दिए हैं, अशोक महतो का भी इतिहास है और ऐसे में क्या कुछ करते। पवन जायसवाल आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।